बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। हामिद मीर की कौमी अदारों पर सख्त तनकीद। पूरी दुनिया में मुअज्ज़ज़ अदारों का भरम टूट गया। आज़ादी सहाफत की आड़ में कौमी सलामती के अदारों को इस कदर बदनाम करना हामिद मीर के गले पड़ गया। हामिद मीर के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया गया। हामिद मीर का प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया गया। इससे बड़ा भी एक्शन लिया जा रहा है, वो आपको आगे चलकर बताते हैं। नाजरीन, गैर मुल्की ताकतों ने फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का सहारा हामिद मीर के सर सजा दिया। गैर मुल्की ताकतें जब पाक फौज को अफगानिस्तान और इसराइल के मामले पर पसपा नहीं कर सकी, तो उन्होंने फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का सहारा लेकर एंटी एस्टेब्लिशमेंट सहाफियों को भड़काया, ताकि पाकिस्तान अवाम और अदारों के दरमियान नफरत पैदा की जा सके। हामिद मीर ने जिस कदर चौक पर खड़े होकर कौमी सलामती के अदारों को ललकारा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा है कि हामिद मीर पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जा सके। इस सारी सूरत हाल के बाद हामिद मीर का एक और ट्वीट सामने आया, जिसमें वो बेबाक होकर अपने किए को डिफेंड कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी पाबंदियाँ लगा लें, अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा। हामिद मीर का अदारों पर एक और ताज़ा इल्ज़ाम के अदारे अब मेरी फैमिली को धमकियां दे रहे हैं। हामिद मीर का इस कदर अदारों के खिलाफ स्टैंड लेना गैर मुल्की ताकतों की सपोर्ट के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता। हामिद मीर का प्रोग्राम सिर्फ ऑफ एयर करना काफी नहीं, वामुलनास का मुतालबा है कि हामिद मीर को गिरफ्तार करके गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। हामिद मीर के जारहाना रवैये से पूरी दुनिया में कौमी सलामती के इदारों की बेहद बदनामी हुई है। नाजरीन, मुल्की सलामियों से बढ़कर कुछ भी नहीं, हत्ता की ऐसी सहाफत भी नहीं जिसे रियासती इदारों का वकार पमाल हो। पाकिस्तान और इसका वकार आलमी दुनिया में इसकी बेतुकरी है। ये कौन सी आजादी सहाफत है कि कौमी इदारों को चौक चौराहे पर खड़े होकर ललकारा जाए। वही कौमी इदारे पाकिस्तान को आज बचाए हुए हैं, वरना आज पाकिस्तान भी इराक, लीबिया और शाम का मंजर पेश करता। नाजरीन, आर्मी चीफ से रमजान में होने वाली मुलाकात में 7 घंटे तवील नशिस्त हुई, जिसमें सब ने खुलकर सवाल किए और आर्मी चीफ ने भी खुलकर जवाब दिए। इस मीटिंग में ये पोल भी खोल दिया गया कि हामिद मीर पर 2014 में होने वाला हमला जनरल जहीर इस्लाम ने नहीं बल्कि किसी और ने किया था। जब आर्मी चीफ से ये सवाल किया गया तो आर्मी चीफ ने हामिद मीर को मुखातिब करके कहा कि हामिद मीर साहब, आपने अपने ऊपर हमला करने वालों का अभी तक बताया क्यों नहीं? आप क्यों खुलकर नहीं बताते कि आप पर हमला अख्तर मेंगल के भाई जवेद मेंगल लश्कर बलोचिस्तान वालों ने करवाया? आर्मी चीफ के जवाब पर हामिद मीर समेत सारे सहाफी अक्का बक्का रह गए कि पिछले 7 साल से हामिद मीर पीट रहा है कि मुझ पर हमला ISI ने करवाया था, लेकिन हामिद मीर अपनी इज्जत बचाने की खातिर जानबूझकर लश्कर बलोचिस्तान के बजाय लगातार जनरल जहीर इस्लाम पर इल्जाम लगाते रहे। हामिद मीर की बेगैरती का ये आलम कि उन्होंने जनरल जैया के दौर में होने वाले वाकयात को ललकारा और जनरल रानी का नाम बार बार अपनी जबान पर लाते रहे। वो जनरल रानी कौन थी, उसका क्या ताल्लुक था? हामिद मीर इसको इदारों के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करते हैं? नाजरीन, जनरल रानी कोई किसी की जनरल की बीवी नहीं थी, बल्कि वो एक मुतवस्त घराने से तल्लुक रखने वाली खूबसूरत और खूबसीरत खतून थी। उसकी रसाई GHQ, वैने सदर, इवाने वजीर आजम समेत बड़े बड़े महलात तक थी और जनरल जैया और भुट्टो तक इससे जाती तौर पर वाकिफ थे। हामिद मीर इस औरत का नाम बार बार उछाल कर दारों की इज्जत को पमाल कर रहा है। हामिद मीर का इशारा ये था कि वो जनरल रानी एक रखेल थी और इसके सामने जर्नैल झुकते थे। इस तरह हामिद मीर परवेज मुशरफ के खिलाफ खूब भड़के। हामिद मीर को गुस्सा असल इस बात का है कि आर्मी चीफ ने 2014 से चलता हुआ हामिद मीर का झूठ बेनकाब कर दिया। हामिद मीर हर जगह एक ही मंजन बेचता था कि मेरे पर हमला ISI ने करवाया, लेकिन जब ये राज अफशा हुआ कि हामिद मीर पर हमला लश्कर बलोचिस्तान ने करवाया, तब हामिद मीर बेनकाब हो गए। हामिद मीर को जब आर्मी चीफ ने दबे अल्फाजों में बताया, हम सब कुछ जानते हैं कि कौन किस मुल्क के सफारखाने में जाकर क्या लेन देन करता है, हामिद मीर ने इन सब बातों का गुस्सा असतूर वाले मामले को पकड़ कर निकाला और इदारों को खूब गंदा किया, जिस पर बैरूनी ताकतें खुशी से झूम उठी। हामिद मीर तो चाहता ही यही था कि इदारे बदनाम हों और उसको गैर मुल्की ताकतें और शाबाश दें। हामिद मीर ने सारे वाकये के बाद मजीद तैश में आ गए और ताज़ा बयान में एक बार फिर इदारों को ललकारा कि अब जो मर्जी कर लें, किसी से नहीं डरूंगा और हर तरह के नतीजे भुगतने के लिए हर दम तैयार हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद अदारों का ज़र्फ़ कमाल का है कि उन्होंने हामिद मीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अदारे बखूबी वाकिफ हैं कि हामिद मीर तो चाहता है कि अदारे हामिद मीर पर कोई एक्शन लें और वो फिर मवेला मचाकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाए। अदारे इस सारे मामले को इफामो तफहीम के साथ हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि गुज़श्ता रोज ISI का गैर रस्मी बयान सामने आया कि ऐसा तूर पर हमने हमला नहीं करवाया, गैर मुल्की ताकतें हमारा नाम इस्तेमाल करके लोगों और अदारों में नफरत का बीज बो रही हैं। ISI का कहना है कि गैर मुल्की ताकतें फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का सहारा लेकर मुल्क को एक बार फिर आग में धकेलना चाह रही हैं। जैसे पहले तहरीके लबैक के धरने को गैर मुल्की ताकतों ने सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया और हकायक से हटकर गलत मालूमात फराम करके अवाम को भड़काया। अदारों ने पाकिस्तान को तलकीन की कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल एहतियात से करें और गलत मालूमात से बचें। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगले वीडियो तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि बाकायदगी से आपके पास वीडियो हमारी पहुंच सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।